सब्सक्राइब कीजिए इंडिया न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। चीन के खिलाफ 1965 में अमेरिका और भारत द्वारा नंदा देवी चोटी पर एक खुफिया मिशन चलाया गया था। ये मिशन अब भारत के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। इस मिशन के पीछे अमेरिका का दिमाग था, जिसमें भारत की मदद से चीन की न्यूक्लियर गतिविधियों पर नजर रखी जानी थी। इस मिशन के दौरान एक खतरनाक प्लूटोनियम युक्त डिवाइस चोटियों पर ही गायब हो गई थी। बर्फ में गायब हुई ये डिवाइस आज भी खोजा नहीं जा सका है। इस खुफिया मिशन में कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली भी शामिल थे। उनका कहना है इस फिल्म में उनका रोल रणबीर कपूर कर सकते हैं। अब इस मिशन पर हॉलीवुड फिल्म बनने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारी बर्फबारी की वजह से उस टीम ने परमाणु ईंधन वाले जनरेटर और प्लूटोनियम कैप्सूल को वहीं छोड़ दिया था। बाद में टीम कुछ माह बाद लौटी और खोजबीन की तो प्लूटोनियम के स्टॉक समेत सभी उपकरण गायब हो चुके थे। इस मिशन से पहले अलास्का के माउंट मैकिनली पर 23 जून 1965 को ट्रायल रन भी हो चुका था। हालांकि इसका फायदा टीम को ज्यादा नहीं मिल सका और हिमालय के हालातों के आगे टीम को घुटने टेकने पड़े और उनको डिवाइस लगाने में सफलता नहीं मिली और ना ही उसे खोजा जा सका। आपको बता दें कि चीन 1964 में जब अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।